हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बड़ी की मात्रा समझा रही हूँ और लिख के दिखा रही हूँ। आप लोगों की क्लास कक्षा यूकेजी हिंदी बड़ी की दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे है जैसे क प्लस बड़ी की मात्रा की, यहाँ पे है ध प्लस ख प्लस बड़ी की मात्रा की। आप लोग कॉपी में लिखिएगा ग प्लस बड़ी की ख प्लस बड़ी की घी च प्लस बड़ी ची छ प्लस बड़ी छी ज प्लस बड़ी जी छ प्लस बड़ी छी ट प्लस बड़ी क्या पढ़ेंगे टी ह प्लस बड़ी ठी ड प्लस बड़ी बी इसके बाद है ध प्लस बड़ी घी क प्लस बड़ी पी ह प्लस बड़ी ही प्लस बड़ी बी ह प्लस बड़ी बी नौ प्लस बड़ी नी। अब छोटी ई में भी ई का ही उच्चारण होता है और बड़ी ई में भी ई का ही उच्चारण होता है। फर्क ये है जब छोटी ई जब छोटी की बात करते हैं तो छोटी ई जो हम बोल रहे हैं उसमें जो है उसका जो ध्वनि निकलता है वो बिल्कुल कम निकलता है और बड़ी ई की जो ध्वनि होती है वो लंबी निकलती है। उसको बोलने में मुझे जोर पड़ता है, जोर देना पड़ता है, जैसे कि की ऑफ की। अब मैं ऐसे आप लोग को वर्ड्स बना के दिखा रही हूँ, आप लोग अपने अपने नोटबुक में लिखिएगा। अब मैं इसे आप लोग देख लिए इसे, अब मैं इसे मिटाती हूँ। अब इसे मैं आपको बड़ी से शब्द बना के दिखाती हूँ। ये देखिए बड़ी की मात्रा से आप लोगों को ये फिगर दिख रहा है। यहाँ पे क्या क्या है, दीप है, तीर है, परी देखिए, इसके बाद हाथी है, बकरी है, रानी है, कमीज, मछली, लीची। चलिए दीप। अब यहाँ पे है तो प्लस बड़ी ही क्या बन गया, दीप और प्लस को दीप। उसके बाद है क प्लस बड़ी ई प्लस र, ये क्या बन गया बेटा, क ई क्या होता है टी और तीर, परी क प्लस र प्लस बड़ी ई क्या बन गया परी, इसको क अदि परी। उसके बाद है हाथी ह प्लस आ की मात्रा प्लस ह प्लस बड़ी ई। अब ये देखिए ह और आ क्या हुआ, हा आ की मात्रा में समझाई थी अच्छी, ये क्या हो गया हाथी। उसके नेक्स्ट है बकरी ब प्लस क प्लस र प्लस बड़ी ई क्या हो गया बकरी बकरी। उसके बाद नेक्स्ट है रानी र
रानी, उसके बाद है कमीज, प म बड़ी की मात्रा और ज। अब ये देखिए क क हम लिखेंगे इसको जोड़ के, म बड़ी की मात्रा म के आगे लगा हुआ है तो म में बड़ी नी ज, क्या पढ़ेंगे हम इसे कमीज, क नी ज कमीज, क्या पढ़ेंगे कमीज। उसके बाद नेक्स्ट है म प्लस छ प्लस ल प्लस बड़ी ई। अब ये देखिए इसको हम जोड़ के क्या बनाएंगे, म छ ल में बड़ी ई मछली, ये क्या बन जाएगा म छ मछ ल में बड़ी ई मात्रा जोड़ेंगे तो क्या होगा ली मछली, क्या हो जाएगा मछली। उसके बाद चलिए लीची, ल प्लस बड़ी की मात्रा प्लस च प्लस बड़ी की मात्रा, ये क्या हो जाएगा बेटा ली और ची, ली अच्छी, इसका क्या होगा उच्चारण लीची। हम यदि हिज्जे कर करके पढ़ते हैं, हिज्जे मिस तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, जैसे कि है दी द ई दी प दी, तो हमें बड़ी लगाएंगे क्या हो जाएगा टी और टी, अब क्या है प र ई परी, र में ई लगाएंगे तो परी की मात्रा री परी, ब कौड़ी बकरी, रानी रानी, क नी ज कमीज, म छली मछली, ली और ची लीची। यदि हम हिज्जे कर करके पढ़ेंगे तो हमें पढ़ना आ जाएगा और बहुत जल्दी। कुछ शब्द मैं आप लोगों को दे रही हूँ, इसे भी आप लोग नोट कीजिएगा, अपने अपने नोटबुक में लिखिएगा, जो आपकी हिंदी की कॉपी होगी उसमें कीजिएगा, बड़ी की मात्रा लिखिएगा, फेज लिखिएगा और ये लिखिएगा, ओके। इसके नेक्स्ट में कुछ शब्द लिख के दे रही हूँ, उसे भी आप लोग कीजिएगा। अब मैं इसे मिटा रही हूँ, अब मैं कुछ शब्द बना के दिखा रही हूँ, बड़ी ई की मात्रा से सब। अब एक चीज देखिए, मैंने आप लोगों को मात्रा पढ़ाया, ये किस चीज की मात्रा है आप लोग बता सकते हैं, आ की, और ये किस चीज की मात्रा है छोटी ई की, और ये किसकी मात्रा है बड़ी ई की, आप लोग देख सकते हैं आ, ये डंडा जो है आ की मात्रा, छोटी कि इस इधर से हम लगाएंगे तो छोटी ई होगा, छोटी ई जो हम लिखते हैं बड़ी ई इधर, तो अब देखिए आ की मात्रा छोटी ई इधर होती है व्यंजन से पहले और बड़ी ई व्यंजन के बाद। आप लोगों को ये तीन चीज मैंने क्लियर कर दिया, अब आप लोगों से कोई भी पूछेगा जो आ की मात्रा कैसे कैसे लिखते हैं तो आप बता सकते हैं, छोटी ई की मात्रा कैसे लिखते हैं ये बता सकते हैं, बड़ी की मात्रा भी आज क्लियर हो गई है, आप लोग इसे बार बार पढ़िएगा और भी समझ आएगी। अब मैं आपको कुछ शब्द लिख के दिखा रही हूँ, ये देखिए क्या है, दही द ही दही, ब ही बही, स ही सही, ल री लरी, ब री बड़ी। आप लोग इसे अपने अपने कॉपी में कीजिएगा, वैसे भी यूपीसी क्लास के कोई सी भी बच्चे कॉपी लेके नहीं आ रहे चेक करवाने। गी तो गीत, जी तो जीत, चीख चीख, भी ख भीख, सी ख सीख। इसके बाद है ग में आ की मात्रा नी दानी, इसके बाद है ना अनी नानी, पा नी पानी, प न में बड़ी ई र पनीर, स री र शरीर, इसके बाद है बी और टी बीती, पी ली पीली। कुछ शब्द मैं और लिख देती हूँ आप लोगों को, मी अली मीली, गी ला गीला,
सौ में बड़ी की मात्रा तौल शीतल, सौ में बड़ी की मात्रा तौल पीतल। ई मौली इमली बी कंपली। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको कुछ शब्द लिखा है, इसे आप लोग कॉपी में कीजिएगा। ई की मात्रा से शब्द कॉपी में करें, मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, कॉपी में करें। ठीक है, क्या है तो ही दही, कैसे बोलेंगे ही, और में बड़ी की मात्रा लग गया तो ही, दही दही, बही बही, सही सही, लड़ी लड़ी, बड़ी बड़ी, गौ में बड़ी गीत गीत, जौ में बड़ी की मात्रा था जी, चौ में बड़ी की मात्रा था ची, भौ में बड़ी की मात्रा था भी, सौ में बड़ी की मात्रा था सी, बीती बीती, इसको कैसे पढ़ेंगे, बी और ती बीती, दानी दानी, यदि आ की मात्रा लगाएंगे तो दानी दानी, ना नी नानी, पानी पानी, पनीर पनीर, शरीर शरीर शरीर, पीली पीली, नी अली नीली, घी अला गीला, शीतल शीतल, पीतल पीतल, इमली इमली, बकरी बकरी। आप लोग इसे कॉपी में कीजिएगा। चलिए इतना तो मैंने आप लोगों को करवा दिया, और थोड़ा सा देखिए मैं आपको ये पढ़ के भी सुना रही हूँ। यहाँ पे कहानी की तरह बड़ी की मात्रा का प्रयोग करके कहानी की तरह लिखा गया है, जो कि आप लोग ये देख सकते हैं, आप लोगों के बुक्स, आपके पास बुक्स होंगे, अपने बुक्स में देखिएगा क्या है। नानी आई लीची लाई, नानी हरी साड़ी पहनकर आई, रीता रीता आ सीता आ, मीठी मीठी लीची खा, लीची छील छील कर खा, रीता की सखी नीलम भी आ गई। जितना भी मैं आपको वर्ड्स पढ़ के सुना रही हूँ, सब में बड़ी का प्रयोग हुआ है, इसीलिए ये कहानी भी जो बड़ी से बनाया गया है वो सब में बड़ी का प्रयोग दिखाया गया है। वह नाशपाती और इमरती लाई, नाशपाती और इमरती खा, हाथी की सवारी कर पहाड़ी पर मत चढ़, नदी की तरफ चल मछली मत पकड़, कील दीवार पर लगा बरसाती कील पर लटका, बिजली चमकी पानी बरसा, मीना छतरी ला। अब जितना भी देखिए मैंने इसको पढ़ा पढ़ के आपको सुनाया, ये देखिए नानी, जितना भी ये लाल लाल कलर से किया गया है सब बड़ी की मात्रा है। आप लोग इसे घर में एक बार दो बार तीन बार कई बार पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको पढ़ने की अभ्यास होगी। ये देख लीजिए, ये आप लोग अपने नोटबुक में कीजिए। धन्यवाद।